तो जी दोस्तों, अभी हमारे पास जो है कि मुच्छ वाली सरकार आई है, मुच्छ लाया है, जिससे थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं, जानते हैं जी वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। लो जी, या थोड़ा सा कुछ नहीं होता यार, थोड़ी सी बात सुनो रात से जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों ये इस वक्त जो है ना, मैं अपने गांव के एक जो स्टेडियम के अंदर बैठा हूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ एक मैच हो रहा है और ईद का दिन है आज, और ईद का बल्कि दूसरा दिन है, अभी ईद चल रही है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, ये जो है ना ये जो देहातों के अंदर कैसे मैच होते हैं, इसी तरह ही होते हैं। आपको पता है कई जगह बाकायदा कोई ग्राउंड तो होता नहीं है जैसे शहरों में होता है, देहातों में यहाँ हल फट्टा मार देते हैं, और जैसे हल मारते हैं, हल मारने के बाद जनाब ग्राउंड बन जाता है, और फिर जनाब ईद की जो है ना, यहाँ बड़े अच्छे अच्छे मैच लगते हैं। अब यहाँ इस वक्त जो है ना, तकरीबन 6 टीमें मौजूद हैं, और इसमें एक टीम पीटीआई की है, और बाकी जो 5 टीमें हैं ना वो पीटीएम की है। तो बड़ा सख्त मुकाबला है, एक टीम, 1 टीम वर्सेस 5 टीम। तो दोस्तों ये आपके सामने देख सकते हैं आप, ये एक विलेज लाइफ है दोस्तों, ये विलेज लाइफ है। सोचा आप दोस्तों को दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ खड़ा होकर दिखाऊँ आपको। देखें दोस्तों, ये सामने आपके सामने खेल रहे हैं, और काफ़ी टीमें हैं दोस्तों। तो बाकी दोस्तों, ये हमारे पास अफजाल साहब बैठे हैं, इनसे थोड़ी गपशप लगाते हैं। हाँ जी, इस टीम के बारे में, इस माहौल के बारे में क्या कहना चाहते हैं अफजाल साहब, इस उर्फ तूफान जी? माहौल आपके सामने ही है, विलेज का माहौल ऐसा ही होता है, ग्राउंड नहीं है इधर, ग्राउंड जो थे उधर लोगों ने फसलें उगाई हुई हैं, अब ये लोगों की जमीनों में पट्टा मरा के और इधर मैच खेलना शुरू किया हुआ इन्होंने, कोई हाल नहीं है इधर। जनाब शोर मच गया है, ये शोर बहुत ज्यादा मच गया है, पता लग रहा है कि मैच हो रहा है। तो ये आपके सामने है, तो ये देखें जनाब, करे जाओ बेटा शोर। ये क्या हो गया जबरदस्त। तो जनाब दोस्तों, ये गांव के लोग बड़े एंजॉय कर रहे हैं, ये आपके सामने है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो बहरहाल बड़ा अच्छा एक मंजर है, उम्मीद आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे, मैं भी आया था, चले मैंने कहा चलो एंजॉय करते हैं, देखते हैं। तो जी दोस्तों, अभी हमारे पास जो है ना कि मुच्छ वाली सरकार आई है, मुच्छ लाया है, जिससे थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं, जानते हैं जी वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। लो जी, या थोड़ा सा कुछ नहीं होता यार, थोड़ी सी बात सुनो रात से, वैसे चलो हलवा सुना बात तो सुनो, थोड़ा पर्सनालिटी आ गई ना मुच्छा वाले रे, किंग आला काट दे बनाई तो नहीं साहब, बनाई तो नहीं, नहीं नहीं कौन बनाना चीज तो कुछ तो फरमाओ, पहले पूछ ले क्या आपका मुच्छों का क्या रहा है, ये क्या चीज है, ये पशु वाला सो सो उठ को की डों कॉल करवाओ करो। ये जी हमारी मुच्छों की सरकार है, माशाल्लाह मुच्छें बड़ी प्यारी है, खूबसूरत लगती है, जैसे ये वीडियो को ओके करके, और ये पहलवान भी है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, कबड्डी वगैरह खेलते हैं जनाब ये? ये जनाब कबड्डी वगैरह खेलते हैं, तो बड़े जबरदस्त किस्म के जो है ना, आपको पता है देहातों में शौक होता है मुच्छ वगैरह रखने का। तो चले दोस्तों, फिलहाल इतना ही आपको दिखाना था, बाकी इंशाल्लाह जो है ना, फिर अगले व्लॉग में जो है ना, फिर कुछ दिखाते हैं आपको, कुछ छक्का चौका भी दिखाते हैं। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।